टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ सभी स्कूलें बंद हैं और बच्चे घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और दरअसल पेरेंट्स का भी कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से क्या होगा, लेकिन वहीं गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ऐसे पेरेंट्स और बच्चों को एक मैसेज देते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया है। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं। दरअसल गृह निर्माण मंत्री का जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, बच्चों के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है आप भी सुने। मेरे भाइयों और बहनों, आप के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। हालात कुछ ऐसे हैं कि स्कूल में जाने से डर लग रहा है, लोग इकट्ठा होना सरकार को मंजूर नहीं है। तो शिक्षा मतलब तालीम के क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें आ रही। हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का उतना ही महत्व है जितना क्लासरूम में बैठना है। ये सोच के मत चलिए कि ऑनलाइन शिक्षा लेके हम क्या करेंगे। बिल्कुल सब कुछ वही हो सकता है जो एक क्लासरूम में बैठ के हो सकता है। हालात के वजह से तुमको ऑनलाइन पढ़ाई करने जा रही। मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा छोड़ देंगे तो फिर आगे जाके वो सीखेंगे। माँ बाप मेहनत क्यों करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, कुछ सीखे, कुछ बड़ा बने। हालात की वजह से मजबूर है ये मैं मानता हूं, लेकिन अपना बच्चा उसकी तालीम उसकी शिक्षा छोड़ दे ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना प्रयास करो, लेकिन अपने बच्चे को अगर क्लासरूम चालू होता है तो क्लासरूम में भेजो, अगर वो ऑनलाइन बैठता है तो ऑनलाइन में बिठाओ। गांव मत भेजना, गांव जाके उसकी भलाई नहीं है। वो जहां रहता है, जिस जगह रहता है, जिस जगह उसकी स्कूल है, वहां पे अगर ऑनलाइन चालू है तो उसको ऑनलाइन पढ़ाई करना सिखाओ, जबरदस्ती करो। हो सके अगर मानता नहीं है तो दो कान के नीचे आवाज निकालो, लेकिन उसका पढ़ना तुम्हारे लिए और देश के लिए जरूरतमंद है।